देखिए दोस्तों, यदि आप जियो का सिम चलाते हैं तो उसके अंदर आधार रीवेरिफिकेशन करना होगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर ही ये कर सकते हो यदि आपके पास आधार कार्ड है। ठीक है, रीवेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा होगा या कॉल आ रही होगी, तो आप माई जियो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कैसे आपको रीवेरिफिकेशन करना है। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर माई जियो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे देखिए आपका प्लान आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे रेड कलर में रीवेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग लिखा जाएगा। उसके बाद में रीवेरीफाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा, उसके बाद में देखोगे रीवेरिफिकेशन योर कनेक्शन नाउ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो इनको। और उसके बाद में नीचे देखोगे प्रोसीड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे रीवेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट लिखा हुआ है। यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होता तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे, लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे आधार नंबर है और यहाँ से टिक हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे टिक हटा देना है और यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग अनोदर आईडी प्रूफ, ठीक है, दूसरी आईडी यहाँ पे अपलोड करना है। आधार कार्ड दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में कैप्चर फ्रंट साइड यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सभी चीज़ों को अलाउ कर दीजिए। ठीक है, अलाउ करने के बाद में देखिए यहाँ पे कैप्चर दी डॉक्यूमेंट इमेज, यानी कि आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद में इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो गया, यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों साइड का अपलोड कर देना है। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर नीचे स्क्रोल करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करते हो कस्टमर का यहाँ पर, यानी कि आपको खुद का फोटो यहाँ पर ले लेना है और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर देना है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो खींच लेना है। और उसके बाद में देखिए वेरीफाई योर अकाउंट, तो यदि आपके फ़ोन में 2 सिम है जियो की तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा वेरीफाई करना है। उसके ऊपर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रीवेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।